पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज SCS जुडिशियल पेपर लीक होने की याचिका लगी हुई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई में क्या क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता एडवोकेट सुमन, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी याचिका में क्या आरोप लगाए थे। जी सुमन, मैंने अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि सुशीला नाम की एक लड़की थी जो कि पेपर बेचने का काम करती थी। सुशीला और सुनीता दो लड़कियां, वो दोनों फ्रेंड थी, कि 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा जुडिशियल का, वो उन दोनों के पास एक हफ्ते पहले से था और उसने फिर मुझे 5-6 क्वेश्चन भी बताए थे और मुझे भी ऑफर आई थी कि मैं भी इस पेपर को खरीद लूँ। लेकिन मैंने इस बात की तय तक जाने के लिए उसके साथ बातें की, फिर उसने मुझे 5-6 क्वेश्चन बताए और जब मैं 16 जुलाई को पेपर में अपीयर हुई तो उस टाइम वो सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, तो मुझे विश्वास हो गया कि ये पेपर पहले से लीक आउट था। उसके बाद मैंने कंप्लेंट फाइल की पुलिस स्टेशन में DGP को, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस बात का पता लगा जाए, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जो एग्ज़ाम है जुडिशियल का, उसमें इतना बड़ा अगर बेच सकते हैं, उसको लीक कर सकते हैं, तो हमारे जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे जज बनने की सोच सकते हैं। याचिका में आपने क्या मांग की है? मैंने याचिका में मांग की है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए CBI से और हमें न्याय मिले कि जिन्होंने ये पेपर बेचा है उनके सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत में अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक अदालत में हमारा केस ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह के पास था और उन्होंने अपने उसमें डायरेक्शन दी थी कि इसका रिजल्ट निकलवाया जाए पेपर का, और जिन दो लड़कियों पे मैंने आरोप लगाए थे वो चीज़ प्रूव होगी रिजल्ट में, वो दोनों लड़कियां टॉपर हैं। और उसके बाद अब CBI की जांच के लिए इसमें ऑर्डर होने वाला था 28 तारीख को, लेकिन उसके बाद आज फुल बेंच, 3 जजों की बेंच में आज याचिका की सुनवाई हुई है और उसमें अब न्यायपालिका का आगे 6 सितंबर में रखा हुआ है केस। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो हमारे साथ न्याय करेंगे। ये थी मेरे साथ याचिकाकर्ता सुमन, इनका कहना है कि उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेपर लीक होने की याचिका लगाई है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत उन्हें न्याय देगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।